subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. पूर्व स्थायी समिति के सभापति सुरेश कुलकर्णी ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा तीन पैन कार्ड रखने वाले देशद्रोही होते हैं, जनता उनको चुनकर नहीं देगी। आरोप लगाते हुए कहा कि जो हमें समस्या बताता है विरोधियों के खिलाफ, उसके घर जाकर करते हैं गुंडागर्दी, और कहा हमें वो हमारे परिवार को अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार विरोधी ही होंगे। नहीं, वहाँ पर हमको कुछ लोग आए थे, उसके बारे में बताया, कोई हमारा सुनील तावड़े करके एक लड़का आया था कि हमारा ये 4-5 लाख रुपए लिए और वो गाड़ी के लिए डाउन पेमेंट भरा है और क्रेडिट कार्ड से, उनको बेचारे का पैसा नहीं दिया। फिर उसने वो हमको वीडियो कॉल पे भी बात किया, जब हमारा भाषण हो रहा था वीडियो कॉल पे बात किया कि हमारा पैसा नहीं दिया, हमको आज आत्महत्या करने की परिस्थिति निर्माण हुआ है। तो उसमें बाद में हमने पब्लिक के सामने रखा, ऐसे लोग को तुम चुन के देंगे? जो आदमी ये इतना फ्रॉड करके दूसरे का पैसा लेके गाड़ी लेते घूमते, और ऐसे लोग को तुम लोग चुन के देंगे? तो फिर उसके बाद में फिर दूसरी बात आई, उन्होंने चिट्ठी लिख के दी मेरे को कि भाई ऐसा ऐसा, ये आदमी के पास तीन तीन नहीं 4-4 पैन कार्ड है, पैन कार्ड तीन तीन बताए देशद्रोही नहीं तो फिर कौन होएगा? ये तो तीन तीन पैन कार्ड जो आदमी रखता है, और ऐसे तुम लोग को आदमी लोग अच्छा लगेगा आप लोग को? तो मैं पब्लिक के सामने ये बात रखा, जैसे जैसे मेरे को कोई आया, आप आके बताया, इन्होंने आके बताया, ऐसी ऐसी बात। कोई बैंक में भी फॉल्ट, बहुत बड़ा फॉल्ट किया उन्होंने, वो बैंक ऐसा बैंक है कि जो HDFC बैंक चेंबूर का ब्रांच, उसमें से भी उन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया, उसके बारे में भी कुछ लोग आके मेरे को बताया ऐसा ऐसा बात है करके। और ये ऐसे आदमी लोग चुन के आएंगे जिसकी कैपेसिटी नहीं, और वो घर धार पूरा दूसरे पब्लिक को लूटते, घर बना रहे लूट रहे, जो घर खरीदे कर रहे उसे लूट रहे ले। तो हमने हमारे हिसाब से हमने जो पब्लिक के सामने जो बात थी, हमने सामने जो सुन के वो बात रखा है, और उसमें तो कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर। मैं तो बोलते देशद्रोह गुनाह दाखिल होना चाहिए उनका। उन्होंने हमारा कार्यकर्ता को जो भाषण कर रहा था इस बारे में जो बोला, उसको जाके उनके घर के बीवी लोग को जाके भेज के उसको घर पे मारने को लगाया। तो उन्होंने रात को मेरे को फ़ोन किया, दादा ऐसा ऐसा उन्होंने मारा है हमको। तो हमने तुरंत पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस स्टेशन में जाके उसके ऊपर गुनाह दाखिल करने को लगाया। तो गुंडागर्दी कौन कर रहे हैं अभी आपको पता चल रहा है? अगर रात को 2 बजे किसी के घर पर जाके अगर बीवी लोग जाके मारते तो गुंडा हो क्या हम लोग? अभी तो आप तो सुन रहे हैं, ये हम लोग को भी तो धमकी आ रहे फ़ोन का, हम क्या सोचेगा उसके बारे में? मेरे को तो 2-3 साल से धमकी आ रहे सुरेश पुजेरी का, तो अभी हम क्या सोचेगा? अभी ये क्या, ये जो अभी बोल रहे हैं उन लोग किया है क्या? कोई दूसरा करवा रहा है? कल कुछ भी हो सकता है, या हम लोग भी कल मार सकते हैं। कल अगर कुछ है, हम लोग को अगर कुछ हो सकता है तो जवाबदार ये लोग ही रहेंगे जो आज बोल रहे हो, जो गुंडागिरी कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल जो है, हमको उससे कुछ लेन देन नहीं। जो भी कल ये कर रहे हैं, कल हमको अगर कल कुछ धोखा होएगा, कल हमारा फैमिली को कोई तकलीफ होएगा, इसका जवाबदार सब उन लोग ही रहेंगे। वीडियो पंकज की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।